मैं हूं रीटा, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनटोल्ड स्टूडियो में। बात करने जा रही हूं आईपीएल 2023 के चौथे मुकाबले के बारे में, जो खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच। राजस्थान टीम की कमान जहां संजू सैमसन के हाथ में होगी, वहीं सनराइजर्स की कप्तानी भुवनेश्वर कुमार करते हुए नजर आएंगे। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एडन मार्करहाम को कप्तान के रूप में नामांकित किया था, लेकिन 2 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले जाने वाले पहले मुकाबले में एडन मार्करहाम उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी से सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ी कमजोर जरूर पड़ सकती है, लेकिन फिर भी इस टीम के पास अच्छे विकल्प भी हैं। और उनकी गैर मौजूदगी में इस टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार अब कप्तानी करते हुए हमें नजर आएंगे। उधर राजस्थान रॉयल्स भी काफी मजबूत टीम है और इस टीम का स्पिन डिपार्टमेंट दूसरी टीमों के मुकाबले मजबूत भी है और इस टीम के बल्लेबाज भी दमदार है। अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के हेड टू हेड की, तो राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए 16 मुकाबलों में से राजस्थान रॉयल्स 8 बार सनराइजर्स को हराने में सफल रही है, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 8 मौकों पर हार का सामना भी करना पड़ा है और इनके बीच कोई भी मैच ड्रॉ पर समाप्त नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले की। इन दोनों टीमों के बीच आईपीएल 2023 का चौथा मुकाबला होगा 2 अप्रैल यानी रविवार को और मैच का आगाज होगा भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। तो राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच के मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा में देख पाएंगे। क्रिकेट जगत की नई नई और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अनटोल्ड स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।